हेलो एवरीवन दिस इज़ मी तजकिया खान एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर थ्रू सी ए लतीफ़ कॉमर्स एकेडमी द चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ वाइटामस आपको बता दूं कि वाइटामस चैप्टर जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज़ इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ऐसे पॉइंट्स है जो आपको एम की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं जेके एस एग्ज़ाम्स में तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में सो विदाउट अ डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर ये विटामिंस का फर्स्ट पार्ट रहेगा इसके बाद भी इसके एक दो तो पार्ट्स आएंगे तो विटामिंस जो है विटामिंस वर्ड जो है इट वाज कॉइंड बाय कश्मीर फंक ठीक है विटामिंस वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था एक आ, हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैशमिर फंक उन्होंने वर्ड जो है वाइटामस दिया था ठीक है कब दिया था नाइन्टीन हंड्रेड एंड टवेल्व में तो नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व में क्या हुआ था जो ये कैशमिर फंक है ये हमारे एक साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था एक कॉम्पोनेंट इनको एक सबस्टांस मिला था ठीक है तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया वाइटामस क्यों वाइटामस नाम दिया इसका भी एक रीज़न था क्योंकि ये जो वाइटाम है साइंटिस्ट को लगा कि दीज आर वेरी एसेंशियल ठीक है साइंटिस्ट को लगा कि ये जो वाइटमिन है ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है एक इंसान की बॉडी को मेंटेन करने के लिए ठीक है तो वाइटमिनस का मतलब क्या होता है वाइटाम जो है वो दो वर्ड से बना है एक तो है वाइटल एंड दूसरा है हमारा अमीन अब जो ये वाइटल वर्ड है वाइटल वर्ड का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट ठीक है कहते हैं ना कि जैसे हार्ट इज़ अ वेरी वाइटल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तो वाइटल मीन्स जिसके बिना नहीं गुजारा हो सकता वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अमीन जो है अमीन का मतलब होता है ये एक केमिकल कंपाउंड होता है ठीक है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारा ठीक एक कंपाउंड होता है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो अब अगर हम वाइटामिन की बात करें दोनों टर्म्स को अगर हम वाइटल और अमीन को मिलाकर हम बात करें वाइटामस की तो िन का मतलब क्या है आर द इमीनो कंपाउंड्स ठीक है दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर वेरी वाइटल और विच आर वेरी असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी समझ लग गई तो ये किसने दिया था सबसे पहले वर्ड कैसेमीर फंक ने दिया था ठीक है कैसीमिर फंक ने दिया था वाइटामस वर्ड और इसलिए कैसीमिर फंक को तब से क्या बोला जाता है ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वाइटामस ठीक है क्योंकि कैसीमिर फंक ने क्या किया था वाइटामस को ही वाइटामिन को ही डिसकर् तो वाइटामस क्या होते हैं बहुत ही असेंशल कॉम्पोनेंट्स uh, होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए ओके अब जो ये वाइटामस होते हैं दे आर थर्टीन इन नंबर ठीक है तेरह वाइटामिन होते हैं टोटल हमारे पास ओके टोटल कितने वाइटामस होते हैं हमारे पास तेरह होते हैं तो ये याद रखिएगा ठीक है अब हम आगे चलते हैं अब हम जो वाइटामस की क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है ठीक है एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी ठीक पहले तो मैं आपको सॉलिबिलिटी टर्म जो है वो एक्सप्लेन करवाना करना चाहूँगी सॉलिबिलिटी जो है वो एक केमिस्ट्री की टर्म है साइंस वाले लोग जो हैं जिन्होंने मेडिकल स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है दे मस्ट बी वेरी क्लियर विद दिस वर्ड बट जिन्होंने आर्ट्स रखा था दिल फाइंड इट आउट बिट डिफिकल्ट तो इसलिए उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगी सॉलिबिलिटी का क्या मतलब होता है देखो मैं ये एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी मान लो हमारे पास है सॉल्ट ठीक है सॉल्ट और हमारे पास क्या है वाटर मैंने क्या किया सॉल्ट को मैंने डिजॉल्व कर दिया मींस सॉल्ट को मैंने ऐड कर दिया किसमें वाटर का एक गिलास था मेरे पास उसमें मैंने सॉल्ट को क्या कर दिया ऐड कर दिया ठीक है तो क्या होगा अब मैंने एक स्पून लिया सॉल्ट को ग्लास में डाल दिया जिसमें पानी भी था और स्पून से उसको घोला सॉल्ट को जब मैं बहुत टाइम के लिए घोलती रहूँगी मिक्स करती रहूँगी उन दोनों को सॉल्ट और वाटर को आपस में तो कुछ देर के बाद क्या होगा सॉल्ट जो है मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो पानी में क्या हो चुका होगा मिक्स हो चुका होगा इसको हम दूसरी टर्म से भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो पानी में सॉलेबल हो चुका होगा तो इसको हम बोलते हैं सॉलेबिलिटी ठीक है अब कुछ वाइटाम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो वाटर सॉलिबल होते हैं मींस वो वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं लेकिन कुछ वाइटाम्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉलिबल होते हैं वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं ठीक है बिल्कुल घुलते नहीं है वाटर में तो उनका दूसरा नाम क्या है फैट सॉलेबल वाइटामिन मीन्स वाटर में तो नहीं घुल पाते पानी में तो नहीं घुल पाते बट वो क्या करते हैं फैट में अच्छे से घुल जाते हैं ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या है दो तरीके के वाइटामिन हैं वाटर सॉलेबल व एंड वाटर इन्सॉलेबल वाटर इन्सॉलेबल का दूसरा नाम क्या है फैट सॉलेबल वाइटामिन अब अगर हम वाटर सॉलेबल की बात करें तो दो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी प्लीज़ ये याद रखिएगा एग्जाम्पल्स, बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन कम अंडर द एमसीक्यूज़, ठीक तो वाटर सॉलिबल की दो टाइप्स हैं वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी वाटर इन्सॉलेबल या फैट सॉलिबल की एग्जाम्पल्स क्या हैं चार ए डी ई के इसको आप एक ट्रिक से याद रख रख सकते हैं आ है? e, देख ठीक है ए आ डी ई के देख आ देख आधे ठीक है तो इस एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है तो दिस वॉज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामस ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिबिलिटी अब हमारी है सेकेंड क्लासिफिकेशन सेकेंड क्लासिफिकेशन है सिंथेसिस का मतलब होता है सबसे पहले सिंथेसिस का मतलब बताऊंगी इसका मतलब होता है बनाना ठीक है फॉर्मेशन सिंथेसिस का क्या मतलब होता है फॉर्मेशन फॉर्मेशन या अगर मैं इजी वर्ड यूज करूँ तो इसका मतलब होता है मेकिंग ठीक है मेकिंग ओके सिंथेसिस का क्या मतलब होता है फॉर्मेशन या मेकिंग ओके okay? तो अब आ, दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो वाइटमिनस होते हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है ठीक है दो तरीके के वाइटाम्स एसेंशियल वाइटामिन एसेंशियल वाइटाम वो होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते हैं ठीक है जो बॉडी में नहीं बनते हैं और नॉन एसेंशियल वाइटाम वो होते हैं विच कैन बी सिंथिसाइज और फॉर्म्ड बाय द बॉडी जो बॉडी बना सकती हैं समझ गए आई होप दीज टू क्लासीफिकेशन आर वेरी मच क्लियर टू यू पीपल देखो इसको आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को आप और एक एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर ठीक है तो जो बॉडी के अपने अंदर बन रही हैं उसको वो नॉन एसेंशियल लग रही हैं उसको वो ज़रूरी नहीं लग रही हैं मींस जो उसकी बॉडी में बन रही हैं जो अवेलेबल है उसकी बॉडी में वो उसको नॉन एसेंशियल लग रही हैं लेकिन जिसकी उसके पास कमी है जो उसकी बॉडी में नहीं बन रहा वो उसको एसेंशियल लगता है ठीक है तो इससे आप याद रख सकते हैं एसेंशियल वो वाइटामस होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती एंड नॉन एसेंशियल वाइटाम वो होते हैं जो बॉडी बना सकती हैं ठीक है ठीके? आ, एंड में मैं लेक्चर के एंड में मैं आपको सारा रिवाइज़ करा दूंगी तो अभी आप फिलहाल लेक्चर बहुत अच्छे से एंड ध्यान से सुनिए अब हम करते हैं वाइटमिन्स क्योंकि मैंने इनिशियली बताया था कि तेरह वाइटमिन्स होते हैं टोटल तो देखो हमारे पास कौन कौन से होते हैं ए डी ई के आ देख ये आप याद रखेंगे बी होते हैं एंड सी होता है टोटल कितनी टाइप्स आ गई छः ठीक है तो पहले आप इन पांचों को कंसिडर कर लीजिए ये हो गए टोटल पांच ओके okay? उसके बाद जो बी होते हैं उसके अंडर कितने आते हैं उसके अंडर आते हैं और आठ ठीक है तो ये आठ और पाँच कितने हो गए टोटल तेरह हो गए ठीक है तो ये जो पाँच है ए डी ई के एंड सी ये हम करेंगे कल वाले लेक्चर में आज मैं आपको सिर्फ बी के जो आठ फॉर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ ठीक है आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इनिशियली मैंने बताया था कि तेरह वाइटाम्स होते हैं टोटल ठीक है उसमें से क्या होते हैं ए डी ई के बी एंड सी ए डी ई के और सी ये टोटल पाँच हो गए बाकी बी जो है उसकी आठ फॉर्म्स और है आठ और पाँच हो गए तेरह और ये पांच जो है ये हम कल कल के लेक्चर में करेंगे फिलहाल आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करवाऊंगी जो आ, बी टाइप्स बी जो है वाइटामिन उसकी भी आठ टाइप्स हैं वो आठ टाइप्स हम आज एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए हम एक ट्रिक जो है वो हम यूज़ करेंगे ठीक है अब आपको एक चीज़ जो है याद रखनी है क्योंकि मैंने क्या बताया वाइटामिन बी जो है उसकी आठ टाइप्स हैं आगे भी उसकी आठ टाइप्स हैं और भी हम वही आठ टाइप्स जो है डिस्कस करने वाले हैं आपको एक लाइन जो है वो याद रखनी है क्या लाइन तो रीटा ने पहले पांडा बालकनी पे पे यहाँ पे छोटा सा है इसको कंसिडर नहीं करना ये सिर्फ निमोनिक्स के लिए है फाउंड कर लिया ठीक है तो क्या बना हमारा जो निमोनिक्स बना वो क्या बना तो रीटा ने पहले पांडा बालकनी पे फाउंड कर लिया तो रीटा ने पहले पांडा बालकनी पे फाउंड कर लिया ठीक है अब देखो अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या है आठ टाइप्स थी वाइटामिन बी की एक तो थी बी वन एक तो थी बी टू एक तो थी बी थ्री बी फोर को आपको स्किप करना है ठीक है बी वन बी टू बी थ्री तो है लेकिन बी फोर को आपको क्या करना है स्किप करना है सीधे बी फाइव पर आपको जम्प कर देना है ठीक है तो बी वन हो गया बी टू हो गया ठीक है बी थ्री हो गया बी फोर को स्किप करना है बी फाइव हो गया बी सिक्स हो गया बी सेवन हो गया बी नाइन एंड बी ट्वेल्व ठीक है बी वन बी टू बी थ्री बी फोर को स्किप करना है बी फाइव है बी सिक्स है बी सेवन है बी नाइन है एंड बी ट्वेल्व है ठीक है ये आपकी आठ फॉर्म्स है अब इनको क्या क्या नाम से ये जो ट्रिक मैंने यूज़ करवाई थी वो मैंने क्यों यूज़ करवाई थी उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ आपको अब ये जो है विटामिन बी वन बी टू बी थ्री करके इनके और भी दूसरे नाम हैं तो एम सी क्यू में ऐसे पूछा जा जा सकता है कि विटामिन बी वन इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फिर ऑप्शन में दिया जा सकता है थाइमीन राइबोफ्लेविन ठीक है ऑप्शन में दिया जा सकता है थाइमीन राइबोफ्लेविन नाइसिन पेंटोथिनिक एसिड तो आपको चारों में से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इसलिए मैंने आपको ये निमोनिक्स याद करवाया है ताकि आपको याद रखें क्योंकि बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन बी ट्वेल्व ये तो आपको सीक्वेंस में याद रखना ही है अगर आप फिर ये निमोनिक्स याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बी वन पहले था टी पहले आता था तो थाइमीन ठीक है इसका आंसर थाइमीन रहेगा अच्छा तो अब देखिए बी वन को क्या बोलते हैं टी से क्या था तो था ना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट किया हुआ है आपको बस वही वर्ड्स याद रखने वही अल्फ़ाबेट याद रखने हैं उन्हीं से आपके ये वाले नेम जो है वो डिराइव हो जाएंगे तो का मतलब क्या है थाइमीन तो बी वन का दूसरा नाम क्या है थाइमीन अच्छा रीटा में आर हाईलाइट किया है तो आर से क्या आएगा राइबो फ्लेवन ठीक ने में क्या किया हुआ है एन हाईलाइट किया है तो इससे आएगा नाइसिन या निकोटीन ओके अच्छा अब पहले में क्या हाईलाइट किया हुआ पी तो इसका मतलब है पैंटोथिनिक अगले में भी पी हाईलाइट किया हुआ तो पायरेडोक्सिन अब आप बोलोगे ये भी पी है ये भी पी है तो ये पी जो है बी फाइव वाला इसको आप कैसे याद रख सकते हो पेंटो पेंटो पेंटोमीन्स का होता है फाइव ये जो पेंटो वर्ड है ना पेंटोथिनिक इसमें जो पेंटो है उसका मतलब होता है पाँच फाइव ठीक है तो उससे आप जैसे पेंटागन होता है ऑक्टागन होता है ऑक्टा ऑक्टामीन्स एट वैसे पेंटो का मतलब होता है फाइव ठीक है तो अगला पी जो आएगा उसका मतलब ऑटोमेटिकली पायरेडॉक्सिन हो जाएगा बी से क्या हो गया बायोटीन और बालकनी एफ से क्या हो जाएगा फॉलिक एसिड सी कर लिया यहाँ पे के ए आर नहीं आएगा सी ए आर आएगा कर लिया फाउंड कर लिया सी ए आर एल आई सी से क्या हो जाएगा कोबैला मीन इसको विटामिन बी ट्वेल्व भी बोलते हैं ठीक है तो आई होप ये ट्रिक जो है ये आपको क्लियर हो गई होगी एंड टुडे के लेक्चर में आज के लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगी कल के लेक्चर में हम आएंगे और क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कल हम आएंगे कि अगर ये आ, जो हमारे वाइटामिन और कौन कौन से वाइटामिन जैसे हमने बाकी पांच जो है ए डी ई के एंड सी वाइटामिन वो अभी नहीं किया है वो हम कल करेंगे उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ये वाइटामिन की अगर डेफिशेंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो सकती है या कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं ठीक है ठीके? तो अभी मैं एक क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ लेक्चर ओके चलिए तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो होते हैं उनको किसने डिस्कवर किया था फंक ने ठीक है कैशमिर फंक ने किया था 1912 में उसके बाद आ, ये जो है विटामिन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वाइटल प्लस अमीन ठीक है वाइटल प्लस अमीन वाइटल का मतलब क्या होता है इम्पॉर्टेंट एंड अमीन क्या है हमारे पास एक कंपाउंड होता है केमिकल कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ठीक है इतना आपको क्लियर है उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाइटाम्स टोटल कितने होते हैं वाइटाम्स हमारे पास होते हैं टोटल थर्टीन ठीक है और फिर हमने पढ़ी थी कि वाइटामिन की क्लासिफिकेशन जो है सॉलिबिलिटी के बेसिस पे भी होती है सॉलिबलिटी के बेसिस पे कितने टाइप की होती है दो टाइप की एक तो हो गई वाटर सॉलिबल एंड दूसरा क्या हो गया वाटर वाटर इन ठीक है वाटर वाटर सॉलिबल की हमारी कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल थी वाटर सॉलिबल की हमारी थी एग्जाम्पल बी एंड सी एंड वाटर इन सोलिबल की एग्जाम्पल हमारी कौन सी थी ए डी ई के ठीक है ए डी ई के दूसरी जो क्लासीफिकेशन है वो हमने पढ़ी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर सिंथेसिस ठीक है अगर वो बॉडी में सिंथेसिस हो रहे हैं यस yes, बॉडी में सिंथेसिस हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन एसेंशल ठीक है उनको हम क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल अगर वो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं ठीक है अगर वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे एसेंशियल ओके okay? अगर बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे नॉन एसेंशियल अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे एसेंशियल आई होप ये वाली क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई होगी फिर हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ी थी कि वाइटामिन जो है टोटल तेरह थे ए डी ई ए डी ई के और सी था हमारे पास और बी के जो है आठ फॉर्म्स थे ठीक है ये आठ प्लस ये पाँच को मिलाकर कितने बनते हैं हमारे पास टोटल तेरह बनते हैं तो तेरह हमारे पास टोटल वाइटाम्स थे लेकिन आज हमने क्या किया था सिर्फ हमने आज किए थे बी की जो बी के टाइप्स थे वो हमने क्लासीफाई किए थे जो कि एट इन नंबर थे तो वो कौन कौन से थे बी वन बी टू बी थ्री बी फोर को हमने स्किप किया था बी फाइव था b6 b7 b9 सेवन बी नाइन एंड बी ट्वेल्व एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है तो आठ आ गए टोटल और हमने इसके लिए एक ट्रिक भी यूज करी थी उस ट्रिक का हमने क्या नाम रखा था उस ट्रिक का हमने नाम रखा था तो रीटा ने पहले पांडा बालकनी पे जो है वो छोटा था इसके लिए कुछ नहीं है पे फाउंड कर लिया ठीक है कर लिया याद रखना यहाँ पे के ए आर नहीं है सी ए आर है टी से क्या था थाइमीन ठीक है आर से क्या था राइबोफ्लेविन एन से क्या था नायासिन या निकोटिन पी से क्या था पैंटोथिनिक एसिड पहले पेंटोथिनिक एसिड आएगा फिर हमारे पास पांडा आएगा ठीक है पांडा से मतलब क्या था पायरिडॉक्सिन बी से क्या था बायोटीन एफ से क्या था फोलिक एसिड फाउंड कर लिया तो फोलिक एसिड कर लिया सी से आ गया कोबेला मीन ठीक है वाइटामिन बी वन वाइटामिन बी टू वाइटामिन बी थ्री वाइटामिन बी फाइव वाइटामिन बी सिक्स वाइटामिन बी सेवन वाइटामिन बी नाइन एंड वाइटामिन बी ट्वेल्व आई होप आप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा एंड अगर आपको रियली really लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल एंड सेकेंड लेक्चर आप जरूर देखिएगा बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको फिर से बता रही हूँ फिर से रिपीट कर रही हूँ दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसमें से कोई ना कोई एम सी क्यू ज़रूर 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 आएगा ओके थैंक यू आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन विल ट्राई टू इनकल्केट दैट मॉडिफिकेशन